आज बहुत बड़ी मजर हो गई है, उसको हम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। मेरी टिकट्स बुक है 17th की और मेरा मेडिकल एक्सपायर हो रहा है 12th को। अब पोर्ट ऑफ एंट्री पे मुझे वैलिड मेडिकल चाहिए, तो अब मुझे अपना मेडिकल दोबारा करवाने जाना है क्योंकि मेरा मेडिकल 12 को एक्सपायर हो रहा है। अब जाते हैं दोबारा मेडिकल कराने और आपसे भी शेयर करते हैं क्या क्या, कैसे आप उसको अपडेट कर सकते हैं और क्या क्या आगे कर सकते हैं। साधु वासवानी मेडिकल सेंटर में, दैट इज़ लोकेटेड इन शांति निकेतन इन साउथ दिल्ली। हाय गाइस, मैंने मेडिकल दोबारा कराया है क्योंकि मेरी टिकट का है 17th की और मेरे मेडिकल एक्सपायर हो रहा है 14th को, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैंने मेडिकल दोबारा कराया है, उसको अपनी फाइल पे IRCC की साइट पे जाके दोबारा अपलोड करवाया है अपना मेडिकल। व्हाट एग्जैक्टली, मैं दिल्ली में मेरा मेडिकल हुआ है, मेडिकल में मैं अंदर गई, मेडिकल सेंटर में मैं अंदर गई, मैंने आपको दिखा दिया है मेडिकल सेंटर, आप मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं। मेडिकल सेंटर अंदर गई, उन्होंने मुझसे मेरे पासपोर्ट की कॉपी मांगी और फोटोकॉपी मांगी और कुछ उन्होंने अपने सिस्टम में एंट्री की। दे आस्क्ड मी कि वेदर आई एम गोइंग फॉर स्टूडेंट वीज़ा और सम अदर पर्पस। तो मैंने वेट किया, फिर मेरा नॉर्मल चेकअप हुआ, वेट चेकअप कुछ हुआ, फिर उन्होंने मेरा अंदर जाके स्कैनिंग हुआ, सीटी स्कैन बोलते हैं जिसको, उन्होंने फिर यूरिन के और ब्लड के सैंपल लिए। यूरिन और ब्लड के सैंपल लेने के बाद से पहले मैंने मेडिकल की पेमेंट की, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपीज़ की मैंने पेमेंट कर दी मेडिकल की, एंड उसके आई थिंक 2 या 3 दिन में ही मुझे मेरे मेल पे मेडिकल की रिपोर्ट आ गई, जो कि मैंने अपने कंसल्टेंट को कह के अपने प्रोफाइल पे अपडेट करा दी। उसी के 2-3 दिन अपडेट होने के बाद फिर मेरा मुझे मैसेज आ गया कि मेरा प्रोफाइल अपडेट हो गया। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपना मेडिकल इंडिया से करवा के जाएं, बिकॉज अगर मैं वहाँ पे लैंड कर भी जाती उसके बाद भी मेरा मेडिकल एक्सपायर होता, मुझे वहाँ जाकर मेडिकल करवाना ही पड़ता। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपना मेडिकल इंडिया से ही करा कर रखी जाएँ। वीज़ा आने के बाद मेडिकल एक्सपायर हो जाना, इट इज़ अ बिग इशू। लेकिन मेरा मेडिकल एक्सपायर होने में, मेरा मेडिकल एक्सपायर होने में 2 महीने बाकी थे, तो इसलिए मैंने फटाफट अपना मेडिकल यहीं से करा लिया। मेरी फ्लाई ही करने की डेट से पहले मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया, सो दैट मुझे वहाँ जाके कुछ इनकन्वीनियंस ना हो। अगर आपके स्टिल कुछ क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट। अभी मैं ये वीडियो रात को बना रही हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइमिंग, तो मुझे अपना टाइमिंग यूटिलाइज करना होता है। तो रात के टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सो दैट वीडियो भी आपको मिल जाए और मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो जाए। टेक केयर, बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, शपा केयर, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।